हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें एक सांप जो है वो कुएं में फंसा था, और उसे बचाने के लिए उसे कुएं में कूद के ही उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। सपोर्ट लगेगा उसको रस्सी का। ये रेस्क्यू किया जा रहा है इंदौर के राजेश जाट जी द्वारा, और उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना पहला सांप रेस्क्यू किया था। मैं वॉइस फॉर वाइल्डलाइफ फाउंडेशन से हूँ, जो कि इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। हम बेसिकली इंदौर में वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफली स्नैक्स, लिजार्ड, सीवेट केट या कोई अन्य वाइल्ड बर्ड होते हैं, जैसे कि उल्लू हो गए या फिर ईगल हो गया। राजेश जी अभी तक 2000 से भी ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आइए आप भी देखिए कि इनके रेस्क्यूज कितने जोखिम भरे होते हैं। कई बार सांप कुएं में गिर जाते हैं, तो उनको निकालने में भी काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर। कुएं में जो है वो काफ़ी देर तक लटकना पड़ता है, कई बार सांप अंदर घुस जाता है, बाहर ही नहीं आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गिरते गिरते बचा हूँ कुएं में। एक था जो कि ब्रिज के होल में फंस गया था, लाइक जो एक ब्रिज होता है जिसपे से गाड़ियाँ निकलती हैं, उसमें कुछ होल्स होते हैं, उसमें एक कोबरा फंस गया था, जिसको करीबन हमको 2.5 घंटे लगे, उसका हेड कैच किया हमने, और उसके बाद उसको पूरा तोड़ के जब वो होल बड़ा बना उसके बाद उसको बाहर निकाला गया। इसमें समस्या ये थी कि हमारे पास कोई टीम नहीं थी और कोई साथ में सपोर्ट भी नहीं होता है, तो लोग ज़्यादा कर डरते हैं। अब मैंने उसका हेड तो कैच कर लिया, पर अब दीवार को तोड़ेगा कौन? तो उसके लिए कुछ लड़के थे आसपास के, वो आए, उन्होंने हेल्प करी, तब जाके करीबन 2.5-3 घंटे परेशान होने के बाद वो रेस्क्यू हुआ था। जो एनिमल्स रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक कोई एनिमल के लिए केज होता है, बैग होता है, तो वो भी अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, और कई बार हमें क्या है कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा तक जाना पड़ता है, लाइक 80-90 किलोमीटर तक हमें रेस्क्यू कॉल्स आती रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं उनके घर काफ़ी अच्छे से बने होते हैं, तो वहाँ पर सांप जो है बहुत कम निकलते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहाँ से भी हमें रेस्क्यू करना होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेस्क्यू कॉल वहीं से आते हैं, और वो कुछ डोनेशन देने की स्थिति में भी नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन वाइल्ड एनिमल्स को बचाएं, हमें जो है आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। आप हमारे टीम के लिए रेस्क्यू इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, वो आप डोनेशन कर सकते हैं।